हेलो रिबॉन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सो जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में नजर आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा गहरी है। ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी नहीं है, ये कोई सैड वाली एनर्जी नहीं है। इस उनके लाइफ में ना प्रॉब्लम्स तो है, चालू है, सब कुछ चालू है, लेकिन आज की एनर्जी में ना ऐसा नहीं लग रहा है कि ना जैसे कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, ये वो सब ये नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि इनको आपकी याद बहुत आ रही है, आपके लिए डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आप कहाँ हो? आपकी तरफ से ना एक वैसी वाली एनर्जी नहीं जैसे पहले ना, कि बस एक ऐसा ना कि जैसे बोल दिया और आप हाजिर, वैसे नहीं है। इनफैक्ट आप रूठे रूठे से लग रहे हो, नाराज़ हो, या फिर क्या चल रहा है ना आपके दिमाग में या आपकी ज़िंदगी में, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। एक बात तो श्योर है कि ये आपसे प्यार करते हैं और आप उनसे, ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, लेकिन इस बात को ना शायद सही तरीके से ना इन्होंने कभी रखा ही नहीं सामने कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हैं। ऐसा लगता है ना कि जैसे ना इन्होंने वो आपके लिए जो स्पेशल फीलिंग है ना, वो एक्सप्रेस करने के लिए ना ऐसा लगता है काफ़ी टाइम हो गया, वो जो स्पेशल वाली फीलिंग है ना इनकी तरफ से काफ़ी टाइम हो गया। ऐसा मतलब बात बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो बात नहीं है जो मतलब पहले कैसे ना एक अजीब से एक होता है ना कि एकदम स्पेशल फील होता है किसी किसी को देख के, और बात करते हैं हम लोग ना कि एक्सप्रेस करते हैं, वैसे काफ़ी टाइम हो गया कि इन्होंने वैसे स्पेशल बात ही नहीं की आपके लिए। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से ना ये जो बात भी कर रहे हैं, या फिर इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या जो भी चल रहा है ना उसमें यही चल रहा है कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये क्या फील कर रहे हैं, ये ऐसा फील कर रहे हैं, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन इन्होंने शायद ना ये कभी नहीं पूछा है ना रिसेंट टाइम में, या सोचा नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आपको स्पेशल कैसे फील करें। और सरप्राइजिंगली या शॉकिंगली ये बात है कि ये बात है ना आपने भी नहीं सोची है, काफ़ी अरसे से आपने ये चीज़ नोटिस ही नहीं की है कि आपको स्पेशल फील करवाया नहीं जा रहा है, कि आपको नहीं पूछ रहे कि ठीक है, मतलब जस्ट पूछना बात अलग है, बट एक होता है ना कि कंसर्न होना कि तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, या ये जानबूझ के ताना मारने के लिए, या पजेसिव हो जाएंगे कौन है, क्या है, क्यों है, कैसा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो पूछेंगे, लेकिन एक स्पेशल फील करना कि हाँ भाई इस इंसान के लिए अपन क्या फील कर रहे हैं तो जाके बता दे कि क्या हो तुम मेरे लिए। पता नहीं कि ऐसा रिसेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि कितना भी कुछ करो ना कि आपकी तरफ से ना वो एनर्जी नहीं फील हो रही है, भले सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक होना, लेकिन ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको ऑब्जर्व करते हैं, ये आपको याद भी करते हैं, स्पेशली आपके साथ बिताए पल बहुत मतलब बहुत उनके लिए यादगार है, स्पेशली इन दिस सीज़न, ये जो वक्त चल रहा है ना उसमें तो बहुत ज़्यादा ये वक्त ही कुछ ऐसा है, ये मौसम ही कुछ ऐसा है।
मतलब ऐसा ना कि इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कभी सोच रहे हैं कि क्या नखरे कर रहे हो आप, कभी सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या, कभी सोच रहे हैं कि छोड़ो, दो दिन सर घूमेगा, तीसरे दिन वापस आएंगे, मतलब यू विल बी देयर, लेकिन आप ही पीछे पड़ेंगे, आप ही सामने से बात करेंगे, ये हो नहीं रहा है। शायद कुछ लोगों के लिए वो दो दिन क्या दो हफ्ते हो गए, ये हो नहीं रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये हो रहा है ना, तो दो दिन के लिए वेट करेंगे ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये दो दिन निकलेंगे कैसे, क्योंकि हो ना हो इनको तो आपकी आदत सी लग गई है, वो अटेंशन, इम्पोर्टेंस, वो लव, केयर, हर चीज। हर बात पे आपका फिक्र करना, हर बात पे आपका प्यार जताना, हर बात पे आपका स्पेशल फील करवाना, हर चीज़ याद आ रही, हर चीज़ मिस कर रहे, मतलब एक अजीब सा मिस कर रहे, इन द सेंस कि अजीब सा फील हो रहा है कि कुछ कुछ मिसिंग सा है लाइफ में, आप नहीं है ना तो लाइफ में कुछ भी चीज़ के लिए ना कुछ मज़ा ही नहीं है। हालांकि लाइफ में प्रॉब्लम्स की वजह से तो ठीक है चल रहा था कि भाई ठीक है खाने में मज़ा नहीं, ये नहीं वो नहीं, बट एक आपकी एनर्जी की वजह से ना ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, देयर इज़ समवन इन माय लाइफ, कोई तो है ऐसा इंसान जिसे मेरी फिक्र है, जिसके मेरे इंपॉर्टेंस है, कहीं को ना एग्जिस्टेंस का एहसास होता है, कहीं इंपॉर्टेंस का एहसास होता है, भले दुनिया ठुकरा रही है, ये करिए वो करिए, इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, कितने सारे प्रॉब्लम पड़े हैं, लेकिन एक जगह पे वो अपने दिल की सिचुएशन में ना एक राजा रानी की तरह फील किया आपके रिश्ते में, वो फीलिंग आप ही नहीं दी है, या आप ही नहीं बनाया उनको राजा या रानी। काफ़ी ज़्यादा बुझे बुझे से लग रहे हैं, कभी शक करते हैं, कभी पजेसिव हो रहे हैं, कभी कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये डिस्टर्ब होते जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आपके मन में खिचड़ी क्या पक रही है, आपके दिमाग में खिचड़ी क्या पक रही है, इतने वक्त के रिश्ते में और इतनी बार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ये अचानक क्या हुआ आपको। इनको ऐसा लग रहा है ना दुनिया तो दुनिया वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हो रही, तो ठीक है ये आपको क्या हुआ, ये मतलब आपको तो हक की चीज़ है ना उनके लिए, जैसे बनाया ही गया आपको उनके लिए ही बनाया गया है कि वो जब चाहे जैसे चाहे वो आपको पा सकते हैं, लेकिन अचानक से कुछ बदला सा है और ऐसे एकदम डिस्टर्बेंस ना, अचानक से कुछ हिल गया जैसा ऐसा कि भाई दिमाग हिल गया कि ये क्या हो रहा है, कि दुनिया छोड़ गई, दुनिया झूठ बोल रही है, ये करे वो करे, सब ठीक है, हर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, कोई इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता इनकी होने, इनकी सोच का जो भी है, आपको क्या हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा ना परेशान हो रहे हैं, और एक तरफ है ना जो दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहा है, लाइक ना कि जैसे दिल कह रहा हो कि मुझे वो लाके दो, मुझे चाहिए, जैसे कोई आप उनके लिए नशा हो या कुछ है ज़रूरत का चीज़ एकदम, मुझे वो लाके दो, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से लाके दो, नहीं मिल रहा है, बट दिल तो परेशान करके रखा है, मतलब एक बच्चा होता है ना ज़िद करता है, नहीं मुझे चाहिए, मतलब चाहिए कुछ भी करो कैसे भी करो मुझे लाके दो, और इन्हें वो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बच्चा परेशान किया जा रहा है, वो जो एनर्जी है ना वो दिल की एनर्जी परेशान किया जा रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एक वक्त था ऐसे कुछ एनर्जी होती थी ना इनकी, ज़रा भी इनकी आवाज़ सुने, ज़रा भी ये कुछ बोले या फील, एनर्जी वाइज भी फील किया ना आप, है ना भाई
ऑन द स्पॉट उस मोमेंट पे हाजिर, जरा कुछ हुआ नहीं तो हाजिर। पता नहीं क्या हो गया आपको कि आपको मन ही नहीं कर रहा है कि मतलब आपको ऐसा नहीं ना ईगो वगैरह लेके बैठे हैं कुछ, इवन नॉट इन सेल्फ रिस्पेक्ट की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्यों आपको मन ही नहीं कर रहा है, कैसे लग रहा है कि पता नहीं क्यों, बट समझ नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि ठीक है मैं जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ, अकेली हूँ, जो भी है फीलिंग्स है अपने हिसाब से अपनी जगह पे है, बस शांत है अपनी जगह पे है। अब मुझे नहीं मतलब आपकी एनर्जी में मुझे ईगो फील नहीं हो रहा है, ईगो फील नहीं हो रहा है। कुछ लोग में सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है बट ईगो नहीं हो रहा है या कुछ है, बस आप मुझे लगता है ना आप सरेंडर की, सरेंडर टू द यूनिवर्स की एनर्जी में हो, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा खामोश हो, बहुत ज़्यादा खामोश। अच्छा इनकी इनिशियल इनकी तरफ से प्रपोजल आ सकता है, कॉल, कम्युनिकेशन, मैसेज, कोई तो बात क्या हुआ है, क्या हुआ है, पीछे पड़ सकते हैं या मिलने की जिद कर सकते हैं, सामने अचानक से आ सकते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है। इनकी इनिशियल हो सकते हैं, हो इनफैक्ट है, ऐसा लग रहा है ओ है, एस है, के है, और मुझे 5 नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, 5, और हो सकता है आपको 555 एंजल नंबर दिख रहा हो, 222 एंजल नंबर दिख रहा हो, और कुछ अजीब सा बदल रहा है, बट ये पॉजिटिव चेंज है, अगर मेजर एंड पॉजिटिव चेंज हो। ये भी है कि कार्मिक साइकिल एंडिंग की एनर्जी भी हो सकती है। सो कार्मिक साइकिल एंडिंग की एनर्जी डेफिनेटली। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, डिज़ायर बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। इनकी खामोशी है ना अपने आप अंदर है और बहुत ज़्यादा सोच चल रही है, और ये जो टावर सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं ना, स्पेशली अपनी लाइफ में वगैरह, इनमें आपकी एनर्जी ना पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी कि जैसे ये तकलीफें से रहे तो, दुख से रहे तो आपसे बात करके मन शांत होता था, हल्का लगता था, और ऐसा लगता था ना कि चलो जीने की हिम्मत मिल रही, लड़ने की हिम्मत मिल रही, कुछ अच्छा हो जाएगा ऐसा लगता था। अचानक से जो आपने एनर्जी नहीं देना शुरू किया है या बंद किया है, जो भी रीज़न आपका हो, बट वहाँ से ऐसा लग रहा है ना हर चीज़ अचानक से चेंज हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है ना लाइफ के प्रॉब्लम्स अचानक बढ़ने लगे हैं, लाइफ के प्रॉब्लम्स अचानक बढ़ने लगे हैं, या उनकी इंटेंसिटी बढ़ने लगी है, या फिर अचानक से वो प्रॉब्लम फील होने लगे हैं। प्रॉब्लम पहले भी थे बट अचानक से ऐसा लग रहा है कि अचानक बढ़ गए हैं या फील होने लगे हैं, या ऐसा लगता था जैसे ना आप दीवार बन के उनको बचा रहे थे हर चीज़ से, निगेटिव एनर्जी से, प्रॉब्लम से, सोल्यूशंस बता के या कैसे बिताने, अभी वो सारी चीज़ें मिसिंग है। और आपके साथ बिताए पल बहुत ज़्यादा, क्योंकि इट वॉज लाइक अ हैप्पी मोमेंट, स्पेशल मोमेंट्स और सेलिब्रेशन एंड एवरीथिंग, एवरी वो सब चीज़ का था, बट अभी कुछ भी नहीं है। अभी इनको ऐसा ना कि बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने छुपाई थी या आपसे छुपा रहे हैं ना, वो बतानी पड़ेगी, क्योंकि क्लैरिटी यूनिवर्स मांग रहा है, क्लैरिटी यूनिवर्स मांग रहा है इनको कि भाई तुम्हारे दिल में क्या है वो बताओ। और जैसे फील किया कि इन्होंने काफ़ी टाइम से आपको ना स्पेशल फील नहीं करवाया, आपको वो इम्पोर्टेंस, वो आपका हक, वो आपका डिसीजन नहीं दिया है। डिसीजन नॉट नेसेसरली से कमिटमेंट ये वो सब, बट एक एहसास कि हाँ क्या हो तुम मेरे लिए, वही सारा चीज़ आप उन्होंने शायद ओपन एंडिंग में रखा है, तो उसके लिए यूनिवर्स चाहती है कि ये कुछ बोले। और अच्छा इनकी तरफ से कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जस्ट एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी, प्यार से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों आप बात करते भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, शायद आप मना भी करो बात करने के लिए, या फिर शायद आप मिलने के लिए मना करो, वो भी हो सकता है, क्योंकि मतलब इट्स लाइक हो सकता है अगर आपकी सिचुएशन और आपके ऊपर डिपेंड है,
बट यही सारी चीज़ें ना इनमें बहुत बड़ा मेजर चेंज क्रिएट कर रही है, बहुत मेजर चेंज क्रिएट कर रही है। तो नई शुरुआत है इनकी तरफ से, नई एनर्जी है, नया शिफ्ट है इनकी, इनके लिए हर चीज़। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।